आज की इस वीडियो में मैं आपको आईएनडी मनी का अकाउंट ओपन करने का कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूं। आईएनडी मनी एप्लीकेशन से आप यूएस मार्केट में बड़ी आसानी के साथ अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको आईएनडी मनी ऑल इन वन अकाउंट को ओपन करना होगा। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहें, मैं आपको आईएनडी मनी ऑल इन वन अकाउंट ओपन करने का पूरा तरीका डिटेल में बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है। इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर भी मिल जाएगी। अगर आप डिस्क्रिप्शन के लिंक के थ्रू अपना आईएनडी मनी का अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आपको 1000 रुपीज़ के एप्पल के फ्री स्टॉक भी दिए जाएंगे। तो फ्री में एप्पल के स्टॉक्स लेने के लिए आप अपना आईएनडी मनी का अकाउंट डिस्क्रिप्शन के लिंक से ही क्रिएट करें। तो सबसे पहले आप लिंक के थ्रू ऐप इंस्टॉल कर लें। करने के बाद उसे ओपन करें। इधर गेट स्टार्टेड पर क्लिक करें। इधर आप एक मोबाइल नंबर एंटर कर लें। करने के बाद कंटिन्यू करें। फिर आपके एंटर किए नंबर पर एक ओटीपी सेंड की जाएगी, तो उस ओटीपी को आप इधर एंटर करें। ओटीपी एंटर करने के बाद इधर आप अपना फर्स्ट नेम एंटर कर लें। इधर लास्ट नेम एंटर करें। इधर एक ईमेल आईडी एंटर कर लें। इधर रेफरल कोड पर क्लिक कर आप स्क्रीन पर शो रहा कोड इधर एंटर कर लें। इस कोड को एंटर करते ही आपको एप्पल के फ्री स्टॉक्स मिल जाएंगे। करने के बाद नीचे इस बॉक्स को टिक करके क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करें। इधर ये आपकी क्रेडिट रिपोर्ट को फेच कर रहा है, जिससे ये आपके सभी इन्वेस्टमेंट को ट्रैक कर सके। तो अगर आपको ट्रैक करवाना है तो आप ये कर सकते हैं, एंड अगर आपको ट्रैक नहीं करवाना है तो उस केस में आप फिर कंटिन्यू की जगह स्किप पर क्लिक करेंगे। एंड अगर आप अपने सभी इन्वेस्टमेंट को एक ही जगह से ट्रैक करना चाहते हैं तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर ये आपकी क्रेडिट रिपोर्ट को फेच करेगा। क्रेडिट रिपोर्ट फेच करवाने के लिए आपको नेटफ्लिक्स के फ्री स्टॉक्स भी दिए जाएंगे, अगर आपका स्कोर या आपकी रिपोर्ट अच्छी होगी तो। तो इधर आप कंटिन्यू करें। इधर लॉग इन विद गूगल पर क्लिक करें। फिर आपके सभी गूगल अकाउंट आपके सामने आ जाएंगे, तो आप इनमें से किसी एक को चूज कर लें। करने के बाद नीचे अलाउ पर क्लिक करें। इधर आप थोड़ा वेट करेंगे, यह आपकी जीमेल से लिंक सभी इन्वेस्टमेंट अकाउंट को फेच करेगा। अगर कोई इन्वेस्टमेंट होगी तो वह आपके सामने आ जाएगी, एंड अगर नहीं होगी तो आपको भी कुछ इसी तरीके का पेज शो होगा। तो आप सिंपली आई एम न्यू टू इन्वेस्टिंग पर क्लिक करें। इधर अपना पैन नंबर एंटर कर लें। करने के बाद कंटिन्यू करें। फिर इधर आपको स्क्रीन लॉक को अनेबल करना होगा, तो आप इसे अनेबल कर लें और अपना फिंगरप्रिंट ऐड कर लें। ऐसा करते ही आपका आईएनडी मनी का अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और आप आईएनडी मनी के होम पेज पर आ जाएंगे। अब यूएस मार्केट में इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने के लिए या यूएस स्टॉक्स को बाय करने के लिए सबसे पहले आप इधर यूएस स्टॉक्स पर क्लिक करेंगे। इधर एक्टिवेट नाउ पर क्लिक करें। यूएस स्टॉक्स को बाय एंड सेल करने के लिए आपको आईएनडी मनी का ऑल इन वन अकाउंट ओपन करना होगा, तभी आप अपने पैसे को यूएस मार्केट में इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो ऑल इन वन अकाउंट ओपन करने के लिए इधर आप प्रोसीड फॉर केवाईसी पर क्लिक करेंगे। इधर अपना पैन नंबर एंटर कर लें। करने के बाद नेक्स्ट करें। फिर आपके पैन कार्ड की डिटेल को फेच किया जाएगा, तो इधर आप नीचे डिटेल को चेक करके कंफर्म कर लें, जिसके लिए आप इधर कंफर्म पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ इधर कैलेंडर से सिलेक्ट कर लें। करने के बाद नेक्स्ट करें। इधर प्रोसीड फॉर केवाईसी पर क्लिक करें। उसके बाद इधर आपको अपनी कुछ पर्सनल डिटेल्स एंटर करनी होगी, जैसे इधर अपना सिटी ऑफ बर्थ एंटर कर लें। इधर से आप जेंडर चूज कर लें। इधर से मैरिटल स्टेटस चूज कर लें। एंड इधर अगर आप इंडिया से हैं तो आप आई एम इंडियन रेजिडेंस को चूज कर लें, और अगर आप इंडिया से बाहर के हैं तो आप आई एम एन एन आर आई को चूज करेंगे। तो सभी डिटेल फिल करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करें। फिर इधर आपको फैमिली डिटेल एंटर करनी होगी, तो इधर आप फादर्स नेम एंटर कर लें। इधर मदर्स नेम एंटर कर लें। करने के बाद कन्फर्म पर क्लिक करें। फिर इधर आपको एक नॉमिनी ऐड करना होगा, तो नॉमिनी ऐड करने के लिए आप इधर येस पर क्लिक करें। इधर चूज रिलेशन पर क्लिक कर आप अपना नॉमिनी के साथ का रिलेशन चूज कर लें। करने के बाद डन करें। फिर इधर नेक्स्ट करें। इधर नॉमिनी का नेम और डेट ऑफ बर्थ एंटर कर लें। करने के बाद नेक्स्ट करें। ऐसा करते ही आपकी नॉमिनी सक्सेसफुली ऐड हो जाएगी। फिर आप इधर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इधर से अपनी प्रोफेशनल डिटेल चूज कर लें, जैसे आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है वह आप इधर से चूज करेंगे। आप क्या काम करते हैं वह आप इधर से चूज कर लें। एंड आप एक साल में कितना कमाते हैं वह आप इधर से चूज कर लें। करने के बाद नेक्स्ट करें। अब आपको अपनी आधार केवाईसी करनी होगी, तो आप सिंपली प्रोसीड फॉर आधार केवाईसी पर क्लिक करेंगे।
इधर इस बॉक्स को टिक कर ऑथेंटिकेट आधार पर क्लिक करें। इधर इन बॉक्सेस में आप अपना आधार नंबर एंटर कर लें। करने के बाद नेक्स्ट करें। फिर आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड की जाएगी, तो उस ओटीपी को आप इधर एंटर कर लें। करने के बाद कंटिन्यू करें। इधर अलाउ पर क्लिक करें। क्लिक करते ही आपकी आधार केवाईसी सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगी। फिर आप इधर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। फिर इधर आपको अपनी एक सेल्फी क्लिक करनी होगी, तो आप कैप्चर सेल्फी पर क्लिक कर अपनी एक फ़ोटो क्लिक कर लें। अगर आपकी क्लिक की गई फ़ोटो सही है तो आप डायरेक्ट प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। एंड अगर आप दोबारा से एक फ़ोटो क्लिक करना चाहते हैं तो आप कैप्चर अगेन पर क्लिक करें। तो जैसे हमारी क्लिक की गई फ़ोटो क्लियर है तो हम डायरेक्ट प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। फ़ोटो क्लिक करने के बाद इधर से आप अपनी इन्वेस्टिंग स्टाइल चूज़ कर लें कि आपकी इन्वेस्टिंग स्टाइल एग्रेसिव यानी कि हाई रिस्क हाई रिटर्न वाली है या फिर बैलेंस्ड है यानी कि मॉडरेट रिस्क मॉडरेट रिटर्न। तो आप इन तीनों में से किसी को भी चूज कर लें। जैसे चलिए हम एग्रेसिव हाई रिस्क हाई रिटर्न वाले को चूज कर लेते हैं। करने के बाद नेक्स्ट करें। फिर इधर आपको अपना एक बैंक अकाउंट आईएनडी मनी के साथ लिंक करना होगा। इसी बैंक के थ्रू आप यूएस मार्केट में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर पाएंगे एंड पैसे को विड्रॉ भी आप इसी बैंक में ही कर पाएंगे। तो अपना बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए इधर आप प्रोसीड पर क्लिक करें। इधर से अपना बैंक सर्च कर लें। करने के बाद उस पर क्लिक करें। फिर इधर इस बॉक्स में आप अपना बैंक का आईएफएससी कोड टाइप कर लें। करने के बाद इधर अपने बैंक का अकाउंट नंबर एंटर करें। उसी नंबर को आप इधर दोबारा एंटर करें जिससे वह कन्फर्म हो जाए। करने के बाद वेरीफाई बैंक पर क्लिक करें। फिर आपके बैंक में ₹1 सेंड किया जाएगा वेरीफाई के लिए। वेरीफाई होने के बाद आपका बैंक अकाउंट आईएनडी मनी के साथ सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा। अकाउंट ऐड होने के बाद इधर आप कंटिन्यू पर क्लिक करें। फिर इधर आपको अपना एक सिग्नेचर ऐड करना होगा, तो आप या तो अपलोड सिग्नेचर पर क्लिक कर गैलरी से अपने सिग्नेचर को अपलोड कर सकते हैं या फिर आप टैब या पर क्लिक कर अपने सिग्नेचर को ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो आपको जैसा सही लगे वैसे आप अपने सिग्नेचर को इधर ऐड कर लें। करने के बाद नेक्स्ट करें। आपका ऑल इन वन अकाउंट ऑलमोस्ट ओपन हो गया है। आप सिंपली इधर नीचे नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब आपके दिए गए डॉक्यूमेंट को चेक किया जा रहा है जिसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, तो आप सिंपली इधर थोड़ा वेट कर लें। वेट करने के बाद आपका यूएस स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट ओपन हो जाएगा और आपका सुपर सेवर अकाउंट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। अभी आपके डॉक्यूमेंट सबमिट हुए और आपकी केवाईसी कंप्लीट हुई है। अब आपकी डिटेल और केवाईसी को वेरीफाई किया जाएगा जिस पर 4 से 5 वर्किंग डेज का समय लग सकता है, तो आप इसे कंप्लीट होने तक का वेट कर लें। यूएस ट्रेडिंग अकाउंट ओपन होने के बाद आप आईएनडी मनी के होम पेज पर आए। इधर इस लोगो पर क्लिक करें। इधर अभी प्रोफाइल स्टेटस अनवेरीफाइड होगा, तो आप इस पर क्लिक करें। इधर आपको आपकी केवाईसी डिटेल्स होगी कि पैन वैलिडेशन वेरीफाई हो गया है, पर्सनल डिटेल फैमिली डिटेल और प्रोफेशनल डिटेल वेरीफाई हो गई है, केवाईसी डॉक्यूमेंट एंड एड्रेस वेरिफिकेशन भी वेरीफाई हो गया है एंड सेल्फी भी अपलोड हो चुकी है और बैंक अकाउंट भी ऐड हो चुका है। तो ये सभी डिटेल्स देने के बाद अब आपको लास्ट स्टेप आधार ईसेंड करना होगा। तो आधार ईसेंड करने के लिए इधर आप नेक्स्ट पर क्लिक करें। इधर ईसेंड नाउ पर क्लिक करें। इधर प्रोसीड टू ईसेंड पर क्लिक करें। इधर आपको सभी डिटेल्स शो होगी। देखने के बाद साइन नाउ पर क्लिक करें। क्लिक करते ही आप NSDL के पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। फिर इधर इस बॉक्स में आप अपना आधार नंबर एंटर कर लें। करने के बाद इस बॉक्स को टिक कर सेंड OTP पर क्लिक करें। फिर आपके आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड की जाएगी, तो उस OTP को आप इधर एंटर कर लें। करने के बाद वेरीफाई OTP पर क्लिक करें। ऐसा करते ही आपका आधार ईसाइन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। इधर आप कंटिन्यू करें। कंटिन्यू करते ही आपका आईएनडी मनी का ऑल इन वन अकाउंट सक्सेसफुली ओपन हो जाएगा एंड सभी डिटेल सक्सेसफुली वेरीफाई होने के बाद इधर रिवॉर्ड्स पर क्लिक कर आप अपने 1000 रुपीज के एप्पल के स्टॉक्स को भी देख सकते हैं एंड डिटेल वेरीफाई होने के बाद आप इन एप्पल के स्टॉक्स को अपने बैंक अकाउंट पर ही विड्रॉ कर पाएंगे। तो गाइज इस तरह आप आईएनडी मनी का ऑल इन वन अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अब आपका यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए अकाउंट क्रिएट हो गया है। अब आपको सिर्फ फंड ऐड करना है और जिस स्टॉक को आप बाय करना चाहते हैं उसे बाय करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम यूएस स्टॉक को कैसे बाय करें
एंड सेल करा है इसका कंप्लीट प्रोसेस देखने वाले हैं। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिलती रहेंगी। तो अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें। आपके मन में जो भी डाउट है वे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।